बड़ी गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी जीडी 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। कैंडिडेट एग्जाम देके बाहर निकलते हैं, बात करके बताते हैं कैसा रहा पेपर। कितने करके आया भाई क्वेश्चन? मैं 7। कितने करके आए? 70 क्वेश्चन करके आए। ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स कैसी रही? अच्छी थी, कैलकुलेटिव थी। किस टॉपिक से ज़्यादा कैलकुलेशन था? कैलकुलेशन यहाँ पैसे आया था। परसेंटेज से कितने क्वेश्चन थे? परसेंटेज 10-12 क्वेश्चन आए थे। 12 परसेंटेज साइज यही सब मिला करके। उसके बाद चक्रवर्ती व्यास आया था। चक्रवर्ती व्यास का कैसा क्वेश्चन था? मतलब कैलकुलेटिव था या इजी था? नहीं, नॉर्मल था। नॉर्मल था। मैथ में किस टॉपिक में ज़्यादा कठिनाई है कैलकुलेट करने में? चक्रवर्ती व्यास और लाभ और हानि। लाभ हानि के। अब यदि बात करें तो हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए थे? हिस्ट्री नहीं आए, कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे? 25। करंट अफेयर के 25 का होंगे, पूरे जीएस के 25 होंगे। हाँ, करंट अफेयर के कितने थे? अरे 1-2 क्वेश्चन थे करंट अफेयर। आ जाओ इधर आ जाओ। कितने क्वेश्चन करके आओ भाई आप? 84 करके आओ। वो बार बात करें मैथमेटिक्स के तो मैथमेटिक्स का लेवल कैसा था? मॉडरेट था। कौन सा टॉपिक ऐसा था जो कैलकुलेटेड था? सीआई था। कितने क्वेश्चन आए थे सीआई सही के? 2-3 क्वेश्चन। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात करें तो उनका लेवल कैसा रहा? कौन सा टॉपिक पूरे पेपर में मैथ रीजनिंग हिंदी और जीएस में कैलकुलेटेड था, मतलब करने में थोड़ा प्रॉब्लम? बात करें तो रीजनिंग का लेवल कैसा है? अब यदि जीएस की बात करें तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए? बाबर से आया था। आपके भाई 70 क्वेश्चन करके आइए। बाबर ने युद्ध नीति में बाबर ने युद्ध नीति में किसका प्रयोग किया था? वो था तुगलामा नीति। हाँ भाई। और यदि बात करें तो प्रमाणिक की शुद्ध वर्तनी, प्रमाणिक की शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। और यदि बात करें तो संविधान में कितने क्वेश्चन आए थे? कौन सा आर्टिकल पूछा गया था संविधान में? अब यदि बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनसे क्या आया था? विटामिन का आया था, जैसे रिकेट्स सूखा रोग बच्चों में। रिकेट्स सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? और क्या था फिजिक्स से पूछा गया था? रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? इजी था कि मॉडरेट था? मॉडरेट ही था। जनवरी 2010 का है। अच्छा, 2 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ये कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था। और यदि बात की जाए तो जीएस का, तो जीएस का लेवल कैसा लगा आपको? ये तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर पूछा गया था। अच्छा, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? वो तमिलनाडु में। और बताओ जरा, यदि बात करें जनसंख्या के बारे में, जनधन खाता, अच्छा जनधन खाता के बारे में पूछा गया था। करंट अफेयर कब से कब तक? 19 और 20। तो भाई करंट अफेयर जो है 2020, 19 और 21 की सब आई। आगे जिसका पेपर है उसके लिए क्या सजेशन दोगे, क्या तैयार करेंगे? करंट अफेयर कब से कब तक करेंगे? 19-20 भाई, करंट अफेयर 19-20-21 की तैयार करके हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। प्रॉफिट लॉस सीआईएसआई प्रॉफिट लॉस सीआईएसआई प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और इन पे थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा खासा आ रहा है, इनको तैयार करें। मुख्यमंत्री के बारे में और योजना के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में किसी राज्य के पूछा गया था, योजनाओं के बारे में पूछा गया था। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और क्रिकेट के बारे में भी तैयार करके हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक फॉर योर टाइम।